हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहिणी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे बहुत सारे आइडियाज जिसमें आप जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी साड़ी को रियूज करके, रिस्टाइल करके। इसका जो टॉपिक है उसमें मैं आपके लिए टोटली डिफरेंट आइडियाज लेके आई हूँ जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में शेयर किए थे। तो वीडियो को पूरा देखे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है तो जो है हम लोगों को हमेशा पता रहता है कि इसको हम लोगों को लहंगा में कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे अभी मैं सादा ट्रेडिशनल लहंगे की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे फ्यूजनल लहंगे की बात करूंगी। फ्यूजनल लहंगा भी आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कलर की साड़ी है तो उस साड़ी का आप टोटली लहंगे में कन्वर्ट कर दीजिए। टोटली नीचे वाला पार्ट जो आपका स्कर्ट है उसको आप टोटली लहंगे में कन्वर्ट कर दीजिए। ना उससे दुपट्टा बनवाइए, ना उससे ब्लाउज बनवाइए, बिकॉज वो पूरा साड़ी का लुक आ जाएगा उसमें, तो आपको वैसे नहीं करना है। अगर आपकी ऑरेंज कलर की साड़ी है, अगर आपकी मतलब जो भी कलर की साड़ी है, उस साड़ी का टोटली कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज एंड कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के ही कलर का दुपट्टा, या फिर आपके साड़ी के स्कर्ट के ही कलर का दुपट्टा आप उसको एज अ खरीदिए। मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। जो आपकी साड़ी का है उसका ओनली लहंगा, ओनली गाउन, नीचे का स्कर्ट एंड ऊपर का ब्लाउज डिफरेंट। आप इस तरह के ब्रोकेट के कपड़े का अलग से ब्लाउज सिलवा सकते हैं। दुपट्टा बहुत आजकल एथनिक आ गए हैं, वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जो आप यूज कर सकते हैं आपकी ड्रेस को बहुत अच्छे से बनाने के लिए। तो ये था एक लहंगा टाइप जिसको आपको डिफरेंटली बनाना है, डिफरेंटली क्रिएट करना है, जिसमें ओनली लहंगे का मीन स्कर्ट का पार्ट होगा, टॉप एंड दुपट्टा उसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है एक टोटली फ्यूजन ड्रेस। यस, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा फ्यूजन के बारे में बात करूंगी, बिकॉज फ्यूजन एक ऐसी चीज होती है जो हमें ऑलमोस्ट इंडियन एंड एथनिक एंड वेस्टर्न तीनों दोनों को मिक्स एंड मैच करके पहनने में एक थोड़ा सा अलग ही लुक आता है। तो फ्यूजन ड्रेस जिसमें मैं बोलूंगी जो एक लॉन्ग ड्रेस है बट वो फ्लोई है, ऊपर से उसका फुल पैटर्न वेस्टर्न है बट नीचे से थोड़ी सी ऐसी फ्लोई बनी हुई है, तो वो टोटली कलर उसका जो भी है वो एनहांस हो गया था। बट वन कलर पीस होना चाहिए, टोटली वन पीस गाउन होना चाहिए। बट इसमें एक्सेप्शनल चीजें ये हैं कि इसमें आपकी फ्लोई साड़ीज को ज्यादा यूज कीजिए, आपकी कॉटन, आपकी बनारसी सिल्क साड़ीज यहाँ पे यूज नहीं होंगी फ्यूजन ड्रेसेस में, बिकॉज फ्यूजन के लिए आपको सिंथेटिक जॉर्जेट इस टाइप की ही साड़ीज का यूज हो पाएगा, इसमें कॉटन नहीं आएगा। बाकी की साड़ियां जो कड़क मटेरियल में होती है वो साड़ीज इसमें नहीं आएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं सिल्क साड़ीज की बात करूंगी। सिल्क साड़ीज है, बनारसी साड़ीज है, जो पुराने जरी वर्क की साड़ीज हैं, उन साड़ीज को आप लॉन्ग एथनिक गाउन बना लीजिए। लॉन्ग एथनिक गाउन मतलब जो फुल लेंथ नीचे तक होता है, आपके नीस के नीचे तक जो गाउन होते हैं उसको आप लॉन्ग एथनिक गाउन उतना बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है लॉन्ग एथनिक गाउन, बिकॉज उसको लाइक साड़ी के ऊपर, किसी कुर्ती के ऊपर अगर इसको आप स्टाइल करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। बिकॉज आजकल जैकेट का बहुत ट्रेंड आ गया है, शॉर्ट जैकेट लॉन्ग जैकेट का बहुत ट्रेंड आ गया है, तो आप शॉर्ट जैकेट भी बनवा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जैकेट ज्यादा मैं प्रिफर करूंगी, बिकॉज लॉन्ग जैकेट साड़ीज के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। एंड एज आई लव साड़ीज, मुझे साड़ीज के ऊपर लॉन्ग जैकेट्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। एंड वो एक अच्छा लुक भी आपको क्रिएट करते हैं खुले में। एंड इवन आप वन पीस अगर आपका कुर्ती भी है तो कुर्ती के साथ भी आप उसको स्टाइल कर सकते हैं, अगर आप साड़ीज में नहीं उसको स्टाइल कर सकते हैं तो करना नहीं चाहते हैं तो आप उसको कुर्तीज के साथ भी स्टाइल अप कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रेडिशनल ओवर कोट। नेक्स्ट जो है वो है आप उससे साड़ी से छोटे बच्चों के कपड़े भी बनवा सकते हैं। छोटे बच्चों के कपड़े हम लोग हमेशा अपने ही बारे में सोचते हैं, तो हमारे बारे में ना सोच के हम लोग छोटे बच्चों के बारे में अगर सोचेंगे, जैसे हमारे घर में अगर छोटी बच्ची है या फिर बॉयज भी हैं, तो बॉयज के जो जैकेट्स होते हैं, छोटे जैकेट्स होते हैं, या फिर गर्ल्स की फ्रॉक्स होती हैं, लहंगा चोली होती है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए हम लोग बहुत सारे क्लोथ्स डिजाइन कर सकते हैं। आपको पिंटरेस्ट पे बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो किड्स क्लोथ करके, जो सिल्क मटेरियल में है, आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे। आप एक आधा फोटो ले लीजिए एंड उसको टेलर से सिलवा लीजिए, अमेजिंग आउटफिट्स बन के आते हैं, किड्स के भी बहुत अच्छे होते हैं, यूनिक होते हैं जरूर। इससे लाइक साड़ी से आप बच्चों के लिए भी कुछ बनाएंगे, अगर आपकी खराब हो गई है साड़ी, कुछ पुरानी हो गई है, अगर आपको उसको पहन नहीं पा रहे हो, नहीं पहनना चाहते, तो उसको रियूज इस तरीके से भी बच्चों के कपड़ों में भी रियूज कर सकते हो, बिकॉज एक एथनिक आ जाता है। एंड साथ ही में मदर डॉटर, मदर सन, इस काइंड ऑफ कपड़े भी आजकल बहुत चलते रहते, तो इसमें आप बच्चों के लिए भी एक आधा ड्रेस बना सकते हो जो मम्मी के पास भी है, बच्चे के पास भी है, एंड आप अच्छा सा फोटोशूट भी कर सकते हो, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आप
और साड़ी से एक पार्टी गाउन बना सकते हो। अब पार्टी गाउन तो हर एक कोई बताता है, बट आज ये वाला जो मैं पॉइंट बता रही हूँ पार्टी गाउन, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैं पार्टी गाउन की बात कर रही हूँ दो साड़ीज को मिक्स एंड मैच करके, दो साड़ीज जिसका टोटली कलर कॉन्ट्रास्ट है, या एक एक डार्क कलर में है, एक लाइट कलर में है, या फिर एक एक जैसे एक रेड है तो टोटली उसका ऑपोजिट ग्रीन है। तो इस काइंड ऑफ आपको टोटली कॉन्ट्रास्ट कलर के पार्टी गाउन बनाने हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। टू कलर्स में बनाइए, बट उसमें आपको चीज ये करनी है कि आपका योक है एक कलर का होना चाहिए। योक मींस जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहां पे पूरी एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, तो वो एक कलर का पार्ट होना चाहिए एंड नीचे का फ्लो आपका दूसरे कलर का होगा। तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है, डिफरेंट लगता है। तो जनरली आप बोलेंगे हम लोग ये तो पल्लू और इसके साथ भी करते हैं, बट नहीं, मैं टोटली कॉन्ट्रास्ट की बात कर रही हूँ। कॉन्ट्रास्ट मीन्स आपकी एक साड़ी का डिजाइन डिफरेंट होगा एंड दूसरे साड़ी का भी डिजाइन डिफरेंट होगा, तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है एंड यूनिक भी लगता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप इससे एक छोटी सी वेस्टर्न ड्रेस भी बना सकते हैं। वेस्टर्न ड्रेस में जो नी लेंथ है या फिर लाइक शॉर्ट है, मिडी ड्रेस है, तो ये भी आप उनसे बनवा सकते हैं। इसमें आपकी सिल्क एंड बनारसी सिल्क नहीं, इसमें जॉर्जेट, सिंथेटिक, पॉलिस्टर, ये वाली साड़ीज के कपड़े जो हैं, ये वाली साड़ीज आपकी यूज में आएंगी। बिकॉज जनरली हम लोग भी पतली वाली साड़ियां जो होती है वो भी पहन पहन के बोर हो जाते हैं, तो उन साड़ीज को भी हम लोग रीस्टाइल और रीयूज कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया है अगर आप छोटी मिनी ड्रेसेस बनाएंगे, फ्रॉक लेंथ वाली ड्रेसेस बनाएंगे, एंड आप वन पीस ड्रेसेस बनाएंगे जो ओनली नी लेंथ तक होती हैं। इसमें मैं लॉन्ग ड्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें वेस्टर्न, टोटली वेस्टर्न एंड सेक्सी ड्रेसेस की बात कर रही हूँ जो बहुत अच्छी लगती हैं पार्टीज के लिए, एंड जो अच्छी लगती हैं नाइट पार्टीज के लिए, या फिर आपको अगर कहीं आउटिंग पे जाना है जैसे गोवा बीच वगैरह, या फिर इस काइंड ऑफ के लिए ये फ्लोरल वाले अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक हाथ दो पीस तो आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग वो पहन नहीं सकते, हर कोई पहन सकता है, बट अकॉर्डिंग टू हमारे कंफर्टेबिलिटी हम लोग वो पहन सकते हैं। बिकॉज अगर आप नहीं भी पहनते हो तो आप ऐसे ओकेजन पे उसे पहनिए जहां पे वो चीजें पहनी जाती हैं। आप ऐसे कभी भी उसे पहन नहीं सकते हो, बट ऐसे ओकेजन अगर आप लेंगे तो उस टाइम आप उसको पहन सकते हो। तो ये एक ड्रेस होना ही चाहिए, इट्स अ मस्ट हैव थिंग। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद है कि कट इन टू अ कुर्ती। कुर्ती में हम आप उसको कट आउट कर सकते हैं। अब जैसे आप एक साड़ी है जिसका टोटली जो मटेरियल है पूरा प्लेन है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी प्लेन है, तो उसको आप कुर्ती में डिजाइन कर सकते हो। टोटली किस टाइप की कुर्ती? मोनोक्रोमैटिक कुर्ती में। मोनोक्रोमैटिक कुर्ती में क्या आ जाएगा? आपका प्लाजो भी ऐड आ जाएगा, तो प्लाजो को भी आप उसी डिजाइन में बनाइए। सेम कुर्ती सेम प्लाजो, आजकल मोनोक्रोमैटिक लुक्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो मोनोक्रोमैटिक कुर्ता प्लाजो सेट भी आपका बन जाएगा। सेम कलर के डिजाइन की साड़ी होगी जिसमें फर्स्ट लेके लास्ट तक आपके सेम होंगे, तो वो आपका बन सकता है। बेस्ट बनते हैं, जरूर बना के देखिए, ट्राई करके देखिए, आइडिया दे दीजिए आपके टेलर को, वो अपने आप आपको बना के दे देगा। नेक्स्ट है कि आप उसे बना सकते हैं स्कर्ट, फ्लोई स्कर्ट, या फिर अनारकली टाइप ड्रेसेस, अनारकली टाइप कुर्ती, या फिर अनारकली टाइप पूरा सूट। तो ये भी इजी है, जस्ट मैंने ऐड कर दिया बिकॉज आई थॉट कि एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसको इससे आप बहुत सारे दुपट्टा बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कलेक्शंस नहीं है दुपट्टा का, तो आप क्या कर सकते हो, साड़ी के जो बॉर्डर्स होते हैं, तो साड़ी का जो विड्थ होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसके कॉन्ट्रास्ट में कोई भी लेस वगैरह लेके आ जाइए एंड उसके बॉर्डर्स पे लगा लीजिए, बहुत सुंदर लगता है। इससे आपके पास एक नए दुपट्टे का कलेक्शन भी हो जाता है एंड साथ ही में ऐसे कलरफुल दुपट्टा अगर आपके पास रहेंगे तो आप इसको बहुत जगह पे यूज भी कर सकते हो, जैसे व्हाइट कुर्तीज पे, ब्लैक कुर्तीज पे, एंड मस्ट हैव कुर्तीज का वीडियो भी मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ, तो वो भी वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिकॉज ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियोज है, जो फैशन स्टाइलिंग के ऊपर की वीडियोज है, वो मैं आपके लिए लाइक ऑलमोस्ट लाती ही रहती हूँ, तो ये भी है एक टाइप की आप इसको एज अ जो है दुपट्टा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि साड़ीज को, जैसे आपकी बनारसी साड़ी होती है, सिल्क साड़ी होती है, इस टाइप की जो साड़ीज होती है, इस टाइप के ब्लाउज के पीसेस होते हैं, इसको आप यूज कर सकते हो अपने कुशन कवर्स के ऊपर, लोड्स के कवर के ऊपर, आपके सोफा कवर्स के ऊपर, इसको सोफा स्टाइलिंग पे भी आप यूज कर सकते हो। लंबा पट्टा जो होता है उसको सोफा के ऊपर लगाइए, फेस्टिव सीजन में कलरफुल हमारा अगर घर दिखता है ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस टाइप ऑफ बहुत सारे स्टाइलिंग आप अपने खुद के ऊपर, बच्चों के ऊपर एंड अपने घर के ऊपर बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये सारे आइडियाज थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं यूज करूं, सॉरी शेयर करूं, बिकॉज आई होप आपको ये आइडियाज पसंद आए होंगे।
कुछ अलग डिफरेंट टाइप में आपको बताना चाहती थी, तो सोचा आपके साथ ये शेयर करूं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएगा, बिकॉज इसी तरह के वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन बाय।